आइए आज आपको मंगल बाजार में घुमाते हैं गंज ढुनवारे के। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के भी दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन की शुरुआत होते ही हमारा प्लान बन चुका है कि हम लोग जा रहे हैं मंगल बाजार में। क्योंकि गाइस होता क्या है कि अब गर्मी आने वाली है और गर्मियों के लिए मेरे पास जो टी शर्ट होती है ना नॉर्मल पहनने के लिए वो है नहीं इतनी, तो मैं सोच रहा हूँ कि खूब बहुत सारी मंगल बाजार जुड़ा लाएंगे जितनी भी अगर दिखती है अच्छी अच्छी, ठीक है मामा? और सस्ती सस्ती मिलेंगी। हाँ सस्ती सस्ती मिलेंगी, इसलिए वहां से उठा लाएंगे क्योंकि देखो गर्मियों में पहनना होती है बार 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 बार, तो रगड़ना है उनको, तो इसलिए हमको इसलिए हमको रगड़ के रख देना है सारी बनियाने। और क्या है ना कि अगर हम कहीं और से लेके आएंगे तो हमको सारी नहीं मिल पाएंगी, कुछ ही मिल पाएंगी, तो वो फायदेमंद नहीं रहेगी। महंगी भी पड़ जाएगी। हाँ महंगी पड़ जाती है ना। सबसे बढ़िया चीज है कि अगर कोई चीज रगड़ना है तो मंगल बाजार से लेकर आओ, कचरे डालो उसको। और बाकी आपको गंज ढुंडवारे का मंगल बाजार भी दिख जाएगा, हम आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। जो गंज ढुंडवारे से होंगे वो शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पर मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, ठीक है ठीक है, इतना ही निकला हमारा दलिया आज का, तो ये है हमारा नाश्ता, इसको करते हैं फिर निकलते हैं। ओके गाइस, फाइनली मम्मा ने नकाब यहाँ पर ओढ़ लिया है और मैं भी यहाँ पर तैयार ही हूँ, ठीक है। बाकी अब चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ से सीधा वहीं पर चलकर मिलेंगे या फिर देखते हैं रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो वो वहां पर मिलेंगे, ठीक। अरे यार ओढ़ने भी नहीं दे रहा नकाब, गुस्सा पड़ा है। मैं क्या पकड़ रहा हूँ आपका नकाब? हाँ नहीं तो मैं अपना जूता पहन लेता हूँ तब तक है। ये गाइस अपना जूता पहन लेते हैं अपन और मम्मा की चप्पल इधर फेंक देते हैं, ठीक है। चलो मम्मा चलो। मम्मा बड़ा टाइम लगाती है, पापा ताला लगा दिया। अरे लगा दिया, बिल्कुल सब चीज लगा दी मैंने। अरे 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 मम्मा तो आगे भागी चली जा रही है पापा। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं और आज मंगल का दिन है तो सारी दुकानें बंद हैं। इन गलियों में काफी सुनसान लगती है, सुना सुना लगता है। और गाइस हम मंगल बाजार की तरफ आ चुके हैं और हम बहुत जल्दी आ गए हैं इसलिए ज्यादा लोग नहीं है, वरना बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो गाइस कहीं पर 150 आवाज आ रही है, कहीं पर 20 रुपए आवाज आ रही है, हर जगह से आवाज ही आवाज आ रही है। जो भी चाहो उस चीज खरीदो, चप्पल का टुकड़ा भी आ रही है। हर जगह माल लुटा लुटा जा रहा है गाइस, आप भी लूटो आकर। 10 लो लेते रहो, बिल्कुल मत रखो, अब लोग भी आ चुके हैं। और गाइस फाइनली जो मेरा मकसद है वो यहाँ पर आपको मकसद दिख रहे हैं, माली माल। और यही टी शर्टों का सिलेक्शन चल रहा है जो मेरी माता सिर्फ कर ही रही है, देख रहे हो। तो फाइनली हमारा मंगल बाजार जो है वो खत्म हो चुका है। और क्या दिखाता मैं क्या, वो ब्रांडिंग कर देता है उनकी, ये खरीदो वो खरीदो। और हमारी मम्मा बार बार बीच बीच में रुक जाती है, चलो और वो देखो गाइस कितनी मस्त गुड़िया बिक रही है लोग। तो फाइनली गाइस हम घर पर पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं मम्मा थक हार गए, मतलब जितना मतलब व्लॉग में नहीं देख पाया उतना बहुत घंटे लगे हमको वापस आने में, बार बार दुकान पर रुक जाना की ये चीज की वो चीज। मम्मा आ रहे फिर भी मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ मिला कुछ भी नहीं, मतलब देखती रही कि हाँ कभी ये कभी वो, रुक जाती थी बार बार, तो मैं इतना थक गया वहाँ पर बता नहीं सकता आप लोगों को। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं कि सामान हम क्या क्या लेकर आए थे। तो सबसे पहली चीज तो ये भी हम ले आए, अंडे की क्रेट जो कि मंगल बाजार से मिला है, ज्यादा बनती है, मतलब निकले थे तो ले आए और रमजानों की वजह से ले आए क्योंकि काफी ज्यादा बनते हैं ना अंडे, इसलिए रमजानों में क्या खाएं, वस्तु तो मिलता नहीं है। हाँ गाइस कम मिलता है, जो मिलता है तो हमें पसंद नहीं है। हाँ ये अंडे आलू ज्यादा बनाएंगे, आलू या आलू देखने को मिलेंगे या भरता के ये अंडे आलू, ठीक है गाइस। तो अंडों की रेसिपी ज्यादा बनवाएंगे। तो अब दिखाते हैं गाइस आपको क्या क्या सामान लेकर आए हैं हम। क्या तो मम्मा देखो क्या क्या लेकर आई हैं, ये झोले में है, ये ले आई हैं छुड़ी, इसी को पकड़ के धमकी दे दो सब्सक्राइब करने की। इसी को पकड़ के धमकी दे दो सब्सक्राइब करने की लोगों को। नहीं नहीं कैसे कर सकते कर सकते हैं। और इसमें क्या, इसमें क्या है ईंट, इसमें ये, इसमें है ये स्टैंड, मम्मा स्टैंड लेकर आई, काफी सारे सामान रख सकती हैं इसमें। तो इतना सामान ये हो गया भैया, और देखो और क्या है इस थैली में, ऑमलेट नमकीन है इसमें। और गाइस ये लेकर आई है मम्मा नमकीन, ये लेकर आए थे नमकीन, इनको पसंद है बहुत, मुझे पसंद है, लेकिन क्या पसंद, अब रमजान आ जाएंगे ना तो क्या नहीं खा पाऊंगा। रमजान आ जाएंगे ऐसा लग रहा है कि खाएंगे तो है नहीं शाम में कोई चीज। हाँ मतलब शाम में खाएंगे फिर जी, चटोरपन वैसे दिन में करता हूँ चटोरपन। फिर इसके अलावा क्या क्या की चीज है, कुछ है और ये लैस लेकर आई, ये मम्मा लेकर आई है अपनी लैस, कितना खर्चा करके आया है मम्मा हमारा। हाँ कुछ भी तो नहीं मिला मुझे, मुझे तो अपने मतलब की कोई चीज नहीं मिली। हाँ मतलब की। और ये क्या चीज है, ये दुपट्टा,
तो गाइस ये दुपट्टा अभी ले आई और ये थैली है एक बड़ी ये है आपके मतलब की चीज। अच्छा ये मेरी मतलब की है। यस ठीक है गाइस, तो दिखा देते हैं आपको मेरी भी मतलब की चीज। ये मेरी नहीं, गर्मियों की मतलब की चीज है, गर्मियों में आराम से एंजॉय करेंगे इनको पहन के। तो देख लो गाइस ये ब्लू कलर की टी शर्ट रही, कैसी लग रही कमेंट में बताना, कमेंट में कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही। तो ये ब्लू रही, कलर बताना कौन सा बेस्ट है। हाँ तो ये ब्लू रही, फिर इसके बाद नेक्स्ट पीस, फिर इसके बाद ये थोड़ी सी चॉकलेट ही है कि ग्रे सी है, ग्रे से कलर लग रहा है, ग्रे ही कलर मान लो ठीक है, लेकिन मतलब मिक्सअप सा लग रहा है रियलिटी में देखने में, लेकिन चलो ग्रे मान लो। तो ये एक ये है ठीक है, और एक ये है येलो ये है। तो आई होप ये कलर सब लोग प्यारा बताएंगे। हाँ इसके ऊपर मतलब ब्लैक पजामा पहनो ना, मजा आएगा, बहुत मस्त लगेगा, सूट भी अच्छा होगा काफी, है ना फोटोज। फिर इसके बाद है मेरा फेवरेट कलर लास्ट ब्लैक, इसी में कि आपकी खो गई, पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई। चलो कोई बात नहीं, काफी है अब तो, काफी शूट भी हो जाएगा और गर्मियों में मैं काफी कंफर्टेबल फील करूंगा इसलिए। तो ये भी देख लो है, एक ये ब्लैक, यानी कि इनकी शॉपिंग हुई, मेरे लिए कुछ भी नहीं आया है। तो मैं खासकर मैं गया इसलिए था कि मैं अपनी टी शर्ट ले आऊं थोड़ी सी गर्मियों में पहनने के लिए, तो काफी है मतलब रिटायर कर देते जल्दी, लेकिन अब इनको पहनेंगे और शूट भी कर लेंगे, फोटो शूट वगैरह, मजा आ जाएगा। और सस्ती की सस्ती रही अपने, वही तो अगर मैं यही चीज, ये चार अगर टी शर्ट किसी शॉप से लेता तो लगभग पड़ती मुझको नहीं लगभग पड़ती है 2-2.5 हज़ार रुपए की पड़ती, क्योंकि मैं जब भी लेकर आता हूँ एक टी शर्ट या एक लोवर तो 1000-1200 रुपए का ही बैठता है। तो यहाँ पर तो काफी सस्ता मिल गया, 500-600 रुपए में काम चल गया। ठीक है गाइस, तो एक बार फिर से घर से बाहर निकलते हैं हम अपनी साइकिल लेकर। तो फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ साइकिल चलाने के लिए भी, और थोड़ा सा मुझे काम भी है वहाँ पर भी। तो अभी हम रोड पर चल रहे हैं और चलते हैं थोड़ा सा दूर जाना बस। अभी फिलहाल मैं आया हूँ अपने दोस्त के घर, जैसे कि आपने शायद देखा होगा ब्लॉग में, यहाँ पर खड़ी हुई साइकिल और वहाँ पर आ रहे हैं हमारे प्रिय मित्र, हमारे सामने आ चुके हैं मुश्तकीन भाई। आपकी साइड उससे बिल्कुल मैच हो रही है, बैकग्राउंड से लग रहा है मैचिंग पहनी है। ठीक है गाइस यहीं पर हम आए थे अपने मुस्तकीम भाई के पास, थोड़ा काम भी था और थोड़ा सा बस घूम भी लिया। तो गाइस हो चुकी है रात और अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि गाइस मगरिब का टाइम हो गया था तो मैं रुक गया था वहाँ पर ताकि अजान हो जाए, फिर इसके बाद मैं आसानी से निकलता हूँ यहाँ से। तो फाइनली गाइस हम घर पर वापस लौट कर आ चुके हैं, यहाँ पर मम्मा पता नहीं सो रही हैं आप, बहुत जल्दी आ चुके हैं आप, हमारे मगरिब का टाइम हो गया था, फिर हमने की आराम से बैठ लेते हैं, मम्मा की आंखें भी नहीं खुली हैं, ऐसे कैसे सो रहे हैं, ले गए हमें थका लाया कि इसमें क्या मेरी गलती है कुछ, और क्या मेरी गलती है, लो 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 सुना क्या, ये भी मेरी गलती है, मेरी गलती है कर दी। ठीक है गाइस तो आज आप लोगों के कमेंट पढ़ देते हैं जल्दी से और फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो पहला कमेंट आया हिना खान का, वो कह रही हैं क्या कह रही हैं, मोबाइल क्यों फोड़े दे रहे, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, तो आमीन, ऐसे दुआएं करें ज्यादा से ज्यादा। तो अगला कमेंट है अलशिफा फुरकान का, वो कह रही हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा व्लॉग है, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद वाहिद खान का कमेंट है, यानी कि आगे भाई जान का, वो कह रहे हैं पढ़ाई में बिजी रहता हूँ इसलिए कमेंट नहीं कर पाता, जवाब देता हूँ लेकिन आपके लिए दुआ करता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया दुआ का, थोड़ा सा वक्त निकाल कर कमेंट भी जरूर किया करें, अपनी कुछ राय रखें, अपनी कुछ राय जरूर रखें, राय के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गाइस अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खूब कमेंट करना भर भर के।